आजकल मैथ्स में यूनिवर्सिटी ने एग्जाम डेट घोषित कर दिया तथा सभी प्रश्नों के जो दिशा निर्देश है वो दे दिए। अर्थात प्रश्न पत्रों के क्रम के बारे में उम्मीदवार को कोई गारंटी नहीं दी जाती है। अर्थात इस बार जो पेपर होगा उसमें प्रश्न पत्रों का क्रम किसी भी प्रकार का आ सकता है और क्रम विपरीत उल्टा सुलटा कैसा भी हो सकता है, आपको एफिशिएंट करनी होगी। ठीक है, कागजात के खिलाफ शिकायत यदि कोई संबंधित केंद्र अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि पहुंच सके। कोई कागजात जो आपने जमा नहीं करवाया हो, यदि कोई कागजात संबंधित एग्जाम में पहुंचने के लिए जो एक कागजात चाहिए वो सभी के सभी परीक्षा तारीख से पहले 1 सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय संबंधित कागज, जिसके बाद कोई शिकायत नहीं होगी, अपना प्रदर्शन किया। अर्थात जो कागज है वो सबसे पहले पहुंच जाने चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कागजात संबंधी विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आपको शिकायत नहीं आनी चाहिए, आपके जो कागज है वो पहले जमा हो जाने चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम डेट कौन कौन सी है। तो देखो, BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनर्स कोर्स की एग्जाम डेट है वो क्या है, 4 जनवरी को इंग्लिश की जनरल इंग्लिश की एग्जाम डेट है, और जो 5-6 जनवरी को है वो हिस्ट्री की, 8 जनवरी को इकोनॉमिक की, 11 जनवरी को सोशोलॉजी की एग्जाम डेट है घोषित हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम समय LLM पार्ट 1 की। तो एग्जाम डेट है 5 जनवरी, इसका टाइम टेबल है। और हम बात करते हैं LLB पार्ट 1 की, तो 4 जनवरी इसकी एग्जाम डेट है, इसका टाइम टेबल है। अब हम बात करते हैं LLB सेकेंड ईयर की, तो 5 जनवरी इसके एग्जाम डेट है और इसका टाइम टेबल है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि MGCE से रिलेटेड मोर अपडेट आपको मिलती रहे।